हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपके अपने चैनल डीके राइडर में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे सामने हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक्ट 2022 मॉडल, इसे आप देख सकते हैं। और ये इसका जो कलर है, ये चेस्टनट कलर है, इसे आप देख सकते हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा 360 व्यू दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है। ये इसका रियर प्रोफाइल है और इसका दूसरा प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। बात करेंगे हम इस 125 स्कूटर के बारे में, इसमें क्या आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या प्राइस है और ये आपको कहाँ उपलब्ध होगा। तो बात करेंगे हम इस स्कूटर के फ्रंट से। आप देख सकते हैं इसके जो मिरर हैं, ये आपको क्रोम फिनिश मिल जाते हैं मिरर। और बात करेंगे हम इस स्कूटर के फ्रंट से, तो इसका आप फ्रंट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपको चेस्टनट कलर में मिल जा रहा है। इसका जो कलर है, ये बहुत ही प्यारा कलर इसमें मिल रहा है। यहाँ से आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जा रही है 3D में। इसका जो लोगो है, ये आपको मिल जा रहा है। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं क्रोम का प्रयोग किया है कंपनी ने दोनों ही साइड में, काफ़ी बढ़िया लगती है। और इसका जो हेडलाइट है, आपको फुली LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्टिनी की ब्रांडिंग भी आपको हेडलाइट में देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप देखेंगे इसका जो पैनल है, आप पैनल देख सकते हैं, काफ़ी ब्रॉड पैनल दिया हुआ है। यहाँ पर नंबर प्लेट और यहाँ पर आपको एयर इवेंट्स भी मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही साइड में और इस साइड में इसमें DRL मिल जाते हैं। इसके जो टर्न इंडिकेटर हैं, ये आपको हाइलोजन बल्ब वाले मिल जाते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कंपनी क्रोम का प्रयोग किए हैं। साथ में बात करेंगे हम इसमें, आप देख सकते हैं इसमें i3S की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसके फेंडर की, तो फेंडर आपको मेटल का मिल जाता है और इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर भी आपको मिल जाता है। इसमें जो इसका व्हील है, ये आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है। और इसमें जो टायर मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं 90/110 का मिल जाता है। 10 इंच के इसके अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। और इसमें जो टायर है, ये आपको CR का मिल जा रहा है, ट्यूबलेस टायर मिलता है। बात करते हैं इसके ब्रेक्स की, तो इसमें आपको IBS टेक्नोलॉजी में ब्रेक देखने को मिल जा रही है और इसमें 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जा रहा है। तो इसका फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं हम इस स्कूटर के मीटर कंट्रोल की, तो इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें टर्न इंडिकेटर दोनों साइड में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है i3S लो फ्यूल इंडिकेटर, साथ में आपको हाई बीम और यहाँ पर साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर इसका आपको एनालॉग में मिल जा रहा है। डिस्प्ले में आपको ऑडोमीटर, फ्यूल गेज और क्लॉक देखने को मिल जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको दो स्विचेस मिल जा रहे हैं, M और S, मेनू और सेलेक्ट की। इसे हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर मिस्ड कॉल, ब्लूटूथ, मैसेज कॉल, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हीरो राइड गाइड करके ऐप आता है, इसे आप इंस्टॉल करके इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग भी आपको अंदर देखने को मिल जाती है। बात करते हैं हम इसके स्विच की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें स्विच क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न की स्विच देखने को मिल जाती है। दूसरे तरफ यहाँ पर आपको i3S ऑन ऑफ करने के लिए मिल जाता है और सेल्फ स्टार्ट की स्विच मिल जाती है। यहाँ पर i3S को आप ऑन रखेंगे तो ये काफ़ी माइलेज के लिए काफ़ी फ्यूल इफिशेंसी होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके लेग रूम, तो लेग रूम ठीक ठाक मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरी हुक मिल जाता है और ये कैरी हुक मैक्स 3 kg का वेट कैरी कर सकता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोनों साइड में की आपको मिल जाती है। इसमें काफ़ी बढ़िया फीचर भी देखने को मिल जा रहा है। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं USB चार्जिंग पॉइंट भी मिल जा रहा है, तो इसमें आप अपने किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं इसमें इसके सीट है, सीट काफ़ी कुशन मिल जाती है और डुअल टोन कलर के साथ में मिल जाती है। यहाँ पर आपको टेक्सचर में मिल जाती है और यहाँ दूसरा टेक्सचर मिल जाता है। साथ में आप देख सकते हैं इसमें भी आपको हुक मिल जाते हैं। साइड पैनल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मार्टली क्रोम का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एयर के लिए भी आपको जगह मिल जाती है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्टिनी 125 एक्सटेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो इसका ग्रैबरेल है, ये आपको सिल्वर कलर के साथ में देखने को मिल जा रहा है। और इसके रियर में आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक रेस्ट भी देखने को मिल जा रहा है, जिसमें डेस्टिनी की ब्रांडिंग मिल जाती है। साथ में बात करेंगे हम इस स्कूटर के इंजन की, तो इसमें आपको 124.6 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6
फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। बात करेंगे मैक्स पावर की, तो इसमें आपको 9 PS का पावर मिल जाता है 7000 RPM पर, और इसका जो मैक्स टॉर्क मिलता है इसमें आपको 10.4 Nm का 5000 RPM पर मिल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके जो रियर में, इसमें आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको सेल्फ और किक दोनों ही मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, साथ में आप देख सकते हैं इसमें आपको फ्यूल कैप बाहर ही आपको देखने को मिलेगा, और इसका टेल लैंप कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको LED नहीं मिलती, यहाँ पर आपको हाइलोजन बल्ब का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है जो कि स्टिकर फॉर्म में है, और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए मिल जाता है। बात करेंगे इसके दूसरे प्रोफाइल की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सेम मिल जाती है। यहाँ पर डेस्टिनी 125 एक्सटेक की ब्रांडिंग मिल जा रही है, और क्रोम फिनिशिंग के साथ में मिल जाती है। यहाँ पर फुटरेस्ट भी आपको मिल जा रहे हैं, और ये आपको रबर पैडिंग के साथ में देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट में क्रोम मफलर मिल जाता है, और ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट देखने को मिल जा रहा है। बात करेंगे इस स्कूटर के फ्यूल टैंक की, तो इसमें आपको 5 लीटर का फ्यूल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, और ये स्कूटर आपको उपलब्ध होगा श्याम मोटर्स राधावाट का गोपाल नगर फतेहपुर उत्तर प्रदेश में, और इसका जो ऑन रोड प्राइस है ये आपको मिल जाएगा 1,02,000 ऑन रोड प्राइस के साथ में। और यहाँ से आप हीरो की किसी भी बाइक स्कूटर को आप परचेज कर सकते हैं। तो ये स्कूटर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।